हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना एक ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में मैंने क्या कुछ नया किया, तो ज़रूर बने रहिए एंड तक, एंजॉय करते रहिए। पसंद आने पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा नए से नए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का। तो फ्रेंड्स, ये अर्ली मॉर्निंग है, 5:30 AM हो चुके हैं और आप देख सकते हो अभी से ही धूप जैसा हो रखा है। और आजकल जल्दी से सुबह हो जाती है, बिल्कुल उजाला सा हो जाता है। तो सबसे पहला मैंने जो काम किया था आलू को बॉईल करने का, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ आलू की सब्जी और साथ में है पूड़ी। तो ये होगा आज का हमारा ब्रेकफास्ट और रोशनी के टिफ़िन के लिए भी। तो एक ही चीज़ ये जो है ना, पूड़ी सब्जी घर पर भी जो खा भी लेते हैं और टिफ़िन भी ले जाने को आसानी होता है। तो आटे में मैंने थोड़ा सा नमक डालकर उसको पूड़ी का आटा सान लिया था, सेमी सॉफ्ट सा, और साथ में मैंने टोमेटो प्यूरे रखा था, उसमें मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसी मसाले से मैं बनाने वाली हूँ आलू की सब्जी। आप चाहे तो सिंपल जो जीरा आलू है ना, इसी तरह से बन जाता है बहुत फटाफट से, या तो फिर कुछ मटर वगैरह डाल लिया जैसे मैं डालने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, थोड़े से तेल में मैंने जीरा और जो हींग को पका लिया था, इसके बाद ये जो मसाला है ना उसे ऐड कर लेते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा आपकी सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। थोड़ा सा पानी ऐड किया है, साथ में इसमें हरी मिर्च ऐड कर दिया है और इसमें हम ऐड करेंगे, ये मेरे पास फ्रोज़न मटर था वो ऐड कर दिया, इसको मिक्स करके ढककर रख दिया जब तक ऑयल सेपरेट हो चुका है। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें आलू। तो आप चाहे तो जो मटर वगैरह है ना स्किप भी कर सकते हो। तो ये जीरा आलू बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। अब थोड़ा सा मैंने गरम मसाला ऐड किया है, थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड किया है 2 मिनट पकाने के बाद, और इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे, मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। थोड़ा सा ढक कर रख दूँगी मैं 2 मिनट के लिए और ये पक कर तैयार है आलू मटर की सूखी सब्जी। और साथ में मैंने डाला है इसमें धनिया पत्ता, अगर आमचूर नहीं है तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देते ना तो ये सूखी सब्जी में जो है ना टेस्ट आ जाता है। तो बस ये बनकर तैयार है, मैं पूड़ी सेकूंगी। तो पूड़ी मैं एक साथ ही सेक लूँगी क्योंकि पापा का भी आने का टाइम हो जाता है, उसी समय वॉकिंग से नीचे जो कर लेते हैं फिर आ जाते हैं ऊपर। तो एक ही साथ कुछ पूड़ी मैं सेक लूँगी जो कि टिफ़िन के लिए हो जाएगा, पापा के लिए हो जाएगा और रोशनी नाश्ता भी यही करके जाएगी। तो बस ऑयल बिल्कुल अच्छा खासा मैंने गर्म कर लिया था, जितना ज़्यादा ऑयल अच्छे से गर्म होता है ना, पूड़ी हो चाहे भटूरे हो, बिल्कुल बॉयलिंग जो ऑयल होता है एकदम उबलता हुआ खौलता हुआ कहूँगी, तो उसी में अगर आप पूड़ी बनाते हो ना तो ही ज़्यादा अच्छा बनता है बिल्कुल, और ये ऑयल भी नहीं सोखता है। तो ये पूड़ी मैंने काफ़ी सारे कर लिए थे और साथ में बस रोशनी को पहले मैं दे दूँगी, वो अभी अपना नाश्ता करेगी। और रोशनी को ये जो है ना पसंद है, वैसे भी मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है पूरी सब्जी, ये घर में भी खा लेती है और स्कूल में भी, वरना मुझे कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा अलग में बना के देती हूँ। तो इसका साथ में मैंने पैकिंग कर दिया है, टिफ़िन भी पैक हो चुकी है। और पूड़ी पराठा सब्जी ये क्या होता है कि ठंडा होने के बाद भी खा सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि खाया नहीं जाता है तो बच्चों को अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि बच्चों को वही टिफ़िन में दिया जाए, थोड़ा सा मेहनत लगता है थोड़ा सा, लेकिन क्या है बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो बस अगर वो पेट भर के खा ले इससे ज़्यादा और हम मदर्स को क्या खुशी होगी। तो बस इसके बाद मैंने चोटी कर दी थी बच्चे को और ये बिल्कुल रेडी हो गई है रोशनी अपना बैकपैक। और मैं हमेशा जाते समय पूछती हूँ हैंकी लिया, बॉटल लिया, ये सारा कुछ, और मतलब कुछ भी टिफ़िन तो नहीं छूटा, हर दिन पूछती हूँ कहीं छूट ना जाए कुछ। तो रोशनी निकल चुकी है एज़ अ सिंगल मदर, मैं यही कहूँगी अभी तो फ़िलहाल मैं अपने आप को सिंगल मदर ही कहूँगी क्योंकि मुझे घर का, बच्चों का, सबका देखना पड़ता है। और जो इस तरह से है, जैसे मेरे मिस्टर है अभी फॉरेन में है, मैं इंडिया में हूँ, सारा कुछ मैं देखती हूँ। तो मैं लगता है कि मैं एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मदर अच्छे तरीके से निभाऊँ। अभी 10:30 बज चुके हैं और मेरा हो रहा है नाश्ता, और इसके बाद ना आज मुझे थोड़ा सा जल्दी से बनाना होगा क्योंकि रोशनी का आज है कोचिंग है, उसको लेने जाना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा आज तो धूप है। ये धूप देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है क्योंकि मुझे धूप ज़रा भी सूट नहीं करता, मेरा तो स्किन बिल्कुल टैन हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है रेडनेस वगैरह। तो रोशनी स्कूल गई है मॉर्निंग में फ्रेंड्स, और वहीं से जो वैन वाला उसको स्कूल से पिक करके जहाँ कोचिंग है थोड़ी दूर में पड़ता है तो वहीं उनको ड्रॉप कर देते हैं रोशनी को। तो बस वहाँ 1 घंटा क्लास होता है 3 से 4 बजे तक, फिर मैं उसको जाऊँगी लेने। तो 4 बजे से पहले मुझे निकलना पड़ता है तो सारा कुछ करके ही जाऊँगी। फिर
फिर इसके बाद फ्रेंड्स मेरा कुरियर आया है, तो मैं अपना कुरियर लेने आई हूँ। और ये काफ़ी सारे आज मैंने प्रोडक्ट मंगाए थे, कुछ मैंने रिव्यू के लिए मंगाया है जो अपने पहले चैनल में मैं डालती हूँ। मेरे पहले चैनल को भी आप देख सकते हो, जिसमें कि फ़ैशन एंड ब्यूटी से रिलेटेड मैं सारा कुछ शेयर करती हूँ। होप कि आपको वो चैनल भी मेरा पसंद आ जाए, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये वाला है ना, काफ़ी सारे मैंने प्रोडक्ट लिए थे जिसमें कि किचन आइटम है। तो फ्रेंड्स ये सारा कुछ है ना जो मैंने अनबॉक्सिंग कर ली है, आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये तो बोल सब्जी वगैरह रखने के लिए भी काफ़ी अच्छा है, और ये है ना माइक्रोवेव में जो है उसमें भी आप लगा सकते हो। तो वाइज फिनिशिंग वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो भी खोल लिया था। बहुत खूबसूरत सर का पाया है फ्रेंड्स, और इतना प्यारा प्यारा है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। तो ये काफ़ी अच्छा प्यारा प्यारा एकदम क्यूट सा है, और क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी लगी मुझे तो। अलग अलग चीज़ें इसमें लिखी हुई है, ब्यूटीफुल कप्स, तो इसमें बच्चों को दूध भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बोल और साथ में जो कप है मेरा न्यू एडिशन है किचन का आइटम। और फ्रेंड्स इसके बाद मैं 11:30 से ऊपर हो चुके थे, मैं बनाने आई हूँ लंच का प्रिपरेशन करना है। और मैंने एक बोल के करीब ये खट्टा दही है, रात में मैंने फ्रिज में से निकाल के दही को बाहर रख देती हूँ, ताकि जब भी कढ़ी बनाना होता ना तो थोड़ा सा खट्टा ही अच्छा लगता है। इसके बाद करीब 2 कटोरी के करीब ये पानी है वो ऐड किया है, इसमें बाद में और भी पानी एडजस्ट करूँगी। और इसमें मैं ऐड करूँगी बेसन, तो बेसन जो है ना कड़ी मुझे थोड़ा सा थिक ही पसंद है, बहुत ज़्यादा भी लिक्विड पानी जैसा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसको थोड़ा सा क्रीमी और थोड़ा सा थिक जो कड़ी होता है ना वही ज़्यादा अच्छा लगता है। पतली पतली कड़ी चावल में से लगे ही नहीं तो वो टेस्ट ही नहीं आता बिल्कुल भी। तो बस इसमें थोड़े से मसाले ऐड करूँगी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और साथ में इसमें ऐड करेंगे मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर ऐड कर लिया है, बाकी का मैं इसमें डालूँगी पानी। और इसमें एक चर्न करूँगी फ्रेंड्स, इस तरह से जब मिक्सी में आप चला लेते हो ना तो जो बिल्कुल दही आपका जो फटता नहीं है, तो ये मैंने मिक्सी में 1-2 चर्न कर लिए तो हो चुका है। बस अब मैं इसके पकोड़े के लिए तैयारी करूँगी। थोड़े से बेसन में मैंने अजवाइन क्रश करके डाला है, नमक, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर ऐड किया, थोड़े से बारीक कटा हुआ मैंने प्याज, मिर्च और साथ में धनिया पत्ता ऐड कर लिया है। और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा सोडा, जिससे कि लाइट और सॉफ्ट बनेगा, तो आपका जो कढ़ी होता है ना वो अच्छे से सोक भी कर लेता है। और बस इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ा सा थिक बैटर बना लेंगे, अच्छे से इसको फेंटेंगे तो बैटर का जो हम बनाएंगे ना पकौड़े बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो बस इसको 1 मिनट के लिए मैंने अच्छे से काफ़ी हद तक फेंटा है, और थोड़ा सा ही पानी मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना जो पकौड़े हैं वो उतने अच्छे नहीं बनते हैं। और तेल को बिल्कुल मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था, फिर मीडियम फ्लेम पे इसको पलटते हुए पका लेंगे, और ये खुद से ही फ्लिप होने लगेगा, इतना लाइट है ना ये, बहुत ही अच्छे से ये बिल्कुल देख सकते हो ये पलट जा रहा है खुद से। तो इस तरह से बिल्कुल लाइट होते हैं ना पकोड़े, तो बहुत अच्छे आपके ना ऑयल में तैरते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। बस इसको गोल्डन कलर आने तक मैंने इसको पका लिया है, अच्छा सा कलर आप देख सकते हो। बस इसी तरह से जो है मैं पकौड़े बनाती हूँ, थोड़ा सा प्याज व्याज डालकर, अच्छा लगता है। और अब मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, इसको गर्म होने के बाद मैंने इसमें पचफोरन ऐड किया है, जिसमें कि थोड़ा सा मेथी दाना है, सरसों है, जीरा है, कलौंजी है, और साथ और सौंफ भी ऐड करना होता है, तो इसको पचफोरन कहते हैं। इसका अच्छा सा स्वाद आता है और एक खुशबू आती है। आप चाहे तो सिर्फ जीरा से भी या सरसों से, जिससे भी छोंकते हैं, बट पचफोरन से एक बार छोंक के देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इसके बाद मैंने प्याज और साथ में थोड़ा सा हींग डालने के बाद प्याज और लहसुन को भी पका लिया था गोल्डन ब्राउन होने तक। और इसमें फिर मैंने कड़ी का बैटर ऐड किया था, एक्स्ट्रा पानी ऐड किया, फिर इसे कम से कम 10-12 मिनट्स तक इसको मीडियम फ्लेम पर बॉयल होने दिया। ये जब थिक हो चुका था, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो चुका था, तब मैंने इसमें डाला है पकोड़े। और फिर इसके बाद वो थोड़ा सा मैं और 5 मिनट पकने दूंगी, तब तक मैं तड़का तैयार करूंगी। इसमें एक्स्ट्रा तड़का आपके जो कड़ी को ना स्वाद बढ़ा देगा। तो थोड़ा सा घी में मैंने जीरा को पकाया है, साथ में इसमें लाल मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर को हल्का सा पकाने के बाद इसके ऊपर तड़का दे दिया। ये थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर जैसा आपका टेस्ट देगा, और जो कड़ी में ना स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है ये डबल तड़के से। फिर बस इसमें ऊपर से धनिया पत्ता ऐड कीजिए, और आप देख सकते हो ये कड़ी कितना ज़्यादा लाजवाब बनी है फ्रेंड्स, चावल से तो बहुत ज़्यादा यमी लगता है। और इसके बाद मैं बना रही हूँ मसाला पापड़। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, जो भी आपके पास पापड़ है फटाफट से इस तरह से सेक लीजिए, ऊपर में जो भी सब्जी है जैसे कि खीरा है, प्याज है, टमाटर है, इन सबको ऐड कर दीजिए, ऊपर से धनिया पत्ता है, और साथ में इसमें नींबू का रस, अच्छा लगता है टेस्ट, और इसमें चाट मसाला, नमक, ये सारा कुछ काला नमक ऐड कीजिए, थोड़ा सा ऊपर में इसमें भुजिया ऐड कीजिए, और भुना हुआ जीरा पाउडर, तो ये मिर्ची पाउडर भी मैंने ऐड किया है, और ये मसाला पापड़ बनकर तैयार है।
तो ये लंच पूरा तैयार हो चुका है। चावल मैंने ऑलरेडी बना लिया था, ये नॉर्मल राइस ही है, साथ में कढ़ी, ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दिया, और पकोड़े मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा भी बचा लिए थे वो है, और साथ में मसाला पापड़ है, और यही है आज का हमारा लंच। अभी करीब 1:45 हो चुके हैं और लंच तो मैंने पापा को दे दिया। रोशनी को आने में तो काफ़ी वक्त लगेगा, उसको तो मुझे लेने जाना पड़ता ही है, और घर में ऐसा कोई है भी नहीं कि उसको लेके आएंगे, तो जो भी है मुझे ही करना है बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स, ये मैं शाम का प्रिपरेशन भी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बीच का समय अभी बचा है, रोशनी को लाने जाना होता है ना कोचिंग से, तो तब तक मैं शाम का जो है कुछ कुछ काम निपटा लेती हूँ, तो मुझे आराम हो जाता है साथ में, क्योंकि मुझे एडिट भी करना होता है। तो ये मैं आम की लौंजी बना रही हूँ। आम का छिलका मैंने निकाल के थोड़े छोटे पीसेस में कट कर लिया था, और बाद में इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, उसको गर्म होने के बाद जो पचफोरन है साथ में लाल मिर्च को पकाने के बाद मैंने इसमें डाला है आम कटे हुए। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा बिल्कुल नमक, क्योंकि इसको बैलेंस भी करना होता है, तो इसमें नमक, मिर्च और साथ में गुड़ का बैलेंस अगर सही होता है तो आम की लौंजी अच्छी बनती है। तो नमक डालकर थोड़ा सा मिक्स करके मैंने इसको ढक के रख दिया था, तो ये सॉफ्ट हो चुका है। इसके बाद मैंने गुड़ ऐड किया है, और थोड़ा सा इक्वल रेशियो में मैंने चीनी भी ऐड किया है, छोटे 2 चम्मच के बराबर, जैसे इसमें गुड़ है तो 2 चम्मच के बराबर इसमें चीनी ऐड किया है, यानी शक्कर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, साथ में भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कीजिए, और हल्का सा हल्दी भी ऐड किया है मैंने, और इसको मिक्स कर दिया था, थोड़ा सा गुड़ मेल्ट हो गया। तो इसके बाद मैंने पानी ऐड किया है 1 छोटे बोल के करीब, और इसको पकने देंगे अराउंड 5 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर, और ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद और भी थिक हो जाएगा, आप देख सकते हो बनकर तैयार है। तो इसके बाद फ्रेंड्स, मैं बनाने वाली हूँ एक मिक्स वेज सब्जी, ये फटाफट से बन जाता है। बस मैंने थोड़े से तेल में इसमें प्याज को साथ में लहसुन अदरक को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है, फिर इसमें टमाटर ऐड करूँगी, और इसको 30 सेकंड कुक करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, साथ में मिर्ची पाउडर ऐड करना है, नमक स्वाद अनुसार ऐड करना है, और ये ग्रेवी बनेगी एक्चुअली, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करके, और मसाले को थोड़ा सा कुक करेंगे इसमें पानी डालकर अच्छे से, और इसको थोड़ा मिक्स करके मैं ढककर रख दूंगी जब तक इसमें से अच्छे से ऑयल सेपरेट ना हो जाए, और टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, बस इसको निकाल लूंगी एक प्लेट में, और ये जब ठंडा हो जाता है बस इसको थोड़ा सा पानी डालकर मैंने पीस लिया था, तो ये ग्रेवी जैसा जो आपको दिख रहा है मसाला, इसी से बनने वाला है मिक्स वेज। और फिर थोड़े से तेल में मैंने, चाहे तो तेल और बटर भी ऐड कर सकते हो, थोड़े से तेल में मैंने बाकी के जो भी मेरे पास सब्जी थी ना वो अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा स्टर फ्राई करना है नमक डालकर। और इसके बाद मैंने ऐड किया है इसमें मटर, तो गोभी, बीन्स है, मटर है, गाजर है, जो भी आपके पसंद का ना उसको अच्छे से बिल्कुल 80% अराउंड इसे कुक कर लेना, अगर ज़्यादा कुक कर लेंगे तो इसको जब ग्रेवी में पकाएंगे तो बिल्कुल वो स्वाद नहीं आएगा, तो थोड़ा सा क्रंच रहने देना है बस। इसके बाद मैंने थोड़े से तेल में इसमें ऐड किया जीरा, उसको पकने के बाद ये जो ग्रेवी वाला मसाला है ना प्याज और टमाटर का, इसे ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा पानी ऐड किया, साथ में इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड किया है, कश्मीरी लाल मिर्च इसका अच्छा सा जो कलर देगा, थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके ऐड किया है, मिक्स कीजिए, और साथ में इसको इसमें फ्राई किए हुए सारे ही वेजिटेबल्स मैंने ऐड किया है, और इसको मिक्स कर दिया था इस, और मैंने इसमें पनीर मेरे पास था वो ऐड किया है, आप चाहे तो फ्राई करके भी ऐड कर सकते हो या स्किप भी कर सकते हो, साथ में मोटे टुकड़े में कटा हुआ शिमला मिर्च प्याज, और उसको मिक्स करके ढक कर रख देंगे 5 मिनट्स कुक होने के लिए। इसके बाद ग्रेवी काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है, और मैंने इसमें डाला है सेट किया हुआ मलाई जो होता है ना फ्रिज में रखी हुई, वो 1 चम्मच ऐड किया है, और थोड़ा सा मलाई को मेल्ट करने के बाद इसे और 5 मिनट्स कुक करेंगे स्लो फ्लेम पर। तो जब तक मेरी सब्जी कुक हो रही है तब तक मैंने थोड़े बहुत बर्तन है वो सब क्लीन कर लिए थे, और इसके बाद 5 मिनट्स होने के बाद आप देख सकते हो ये मिक्स वेज बनकर तैयार है, तो यही हमारे नाइट के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से मैं काम को ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ काफ़ी हद तक। तो फ्रेंड्स, रात की भी मेरी जो सब्जी है ना वो सारा कुछ बन गया है, 3:20 अराउंड करीब हो चुका है मुझे, और अब मैं जाऊंगी रोशनी को लेने, तो सारा कुछ जो है ना बर्तन वगैरह भी क्लीन हो चुके हैं, रोशनी को मैं लेने जाऊंगी, और मुझे पेट्रोल भी भरवाना है स्कूटी में, तो बस अभी मैं निकलूँगी, हो गया मेरा सारा कुछ। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करूंगी फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई अनदर ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी एंड टाटा एंड बाय बाय। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आने पे, क्या चीज़ आपको पसंद आती है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं, अभी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल मेरा चल रहा है, तो सपोर्ट बनाए रखिएगा। टाटा।